देवभूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों से और इन सुंदर से पहाड़ों से। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग के आज उपवास है यानी कि व्रत ले रखे हैं, तो दिखाता हूं मैं आपको प्रिय की वो झलक काना के रूप में। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और सभी के लिए जो हमारे ग्राम क्षेत्र में जो सभी लोग हैं, सभी परिवारों के एक एक लोग यहाँ पे रोटी बनाने आ रखे हैं। ये सब्जी बन रखी है, हाँ, ये दाल है, ये खीर है। देखो सभी लोग खीर वगैरह खा रहे हैं मस्त ढंग से। और हम तो भाई बाद में खाएंगे 12 बजे के बाद, पहले भगवान को भोग लगा देंगे। एकदम मस्त हो रहा है आज खाना। पहली बार खाया तो नहीं ऐसा खाना। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई, पूरा खीर का बना हुआ जो पतीला था वो खत्म, कढ़ाई भी लग रहा है खाना। बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त। जितना भी ये खाना बचा है वो गाइस लोग खाएंगे, खाएंगे ना। जी के बॉय। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नई सुबह के साथ नए ब्लॉग के साथ करते हैं। आई एम सुरेंद्र रावत फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों से और इन सुंदर से पहाड़ों से और मेरे सुंदर से गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 6 सितंबर यानी कि अष्टमी, और अष्टमी के दिन सभी को पता होगा कि भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आज काफी सुंदर और सुहानी धूप लग रखी है। जिस प्रकार से आपने थंबनेल भी देख दिया होगा कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज काफी धूमधाम से मनाया जाएगा, और हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां भी कर ही रहे हैं। सभी लोग के आज उपवास है यानी कि व्रत ले रखे हैं। दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और अभी हमने प्रिया को सजा दिया है। तो बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, और उनमें ही कृष्ण, उनमें ही सब कुछ दिखाई देता है। तो दिखाता हूं मैं आपको प्रिया की वो झलक कान्हा के रूप में। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। ये देखो भाई काना, बज गोविंदम बज ले राम, बज गोविंदम बज ले राम। अभी शाम के बज चुके हैं 6:15 और मैं नहा धो के फिर से तैयार हो चुका हूँ, और आज हमारे गांव में सबका खाना एक ही जगह पे बन रहा है, और आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। तो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को।
और अभी यहाँ से सनसेट शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं भाई। अभी रात्रि के बज चुके हैं 8 और पूजा वगैरह भी डन हो चुकी है और अभी भगवान को थोड़ा सा भोग लगाने का भी टाइम होगा, वो लगाएंगे हम रात को 12 बजे। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और सभी के लिए जो हमारे ग्राम क्षेत्र में जो सभी लोग हैं, सभी परिवारों के एक एक लोग यहाँ पे रोटी बनाने आ रखे हैं और ये हमारे किचन में बन रहे हैं रोटियां। और पूजा कैसा लग रहा आज? बहुत ही ज्यादा। और मैं क्या बोल रही थी तू? क्या आज गोरे लग रहा है? ओ भाई की कौन सी क्रीम लगाई भाई लोगों ने? फेयर लवली, कभी लगाई भी नहीं। और इस प्रकार से देखो एकता अभी तक हमारे गांव में बनी हुई है, सभी लोग रोटी लगा रहे हैं यहाँ पे और वैसे दूसरे किचन में खाना भी खा रहे हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे किचन में कि खाना क्या क्या बना है और क्या क्या खा रहे हैं। और अभी मैं दूसरे किचन में आ चुका हूँ और यहाँ देखो सभी लोग खा रहे हैं। क्या क्या बन रखा है आज? ये सब्जी बन रखी है। हाँ, ये दाल है, ये खीर है, ये प्लस साथ में रोटी है। रोटी बन रखी है, रोटी बन रखी है, प्लस सामान रखी है, सब्जी बन रखी है और खीर बन रखी है और इसमें दाल है ना, कंजूस नहीं करी, ये दाल बन रखी है। देखो सभी लोग खीर वगैरह खा रहे हैं मस्त ढंग से और हम तो भाई बाद में खाएंगे 12 बजे के बाद, पहले भगवान को भोग लगा देंगे उसके बाद खाएंगे, तो ऐसे बने रहेगा वीडियो में। और अभी बज रहे हैं 12:15 यानी कि 12:15 और अभी हमने कृष्णा जी को भोग लगाया है माखन मिश्री का। अब हम खुद भोजन करते हैं, तो चलो भोजन करने चलते हैं और खाते हैं और देखते हैं कि आज भोजन में क्या क्या बना है। अभी रात्रि के बज रहे हैं 1 और भगवान को भोग लगाने के बाद खुद ही भोजन करते हैं और हमारी थाली भी सज चुकी है। यहाँ देख सकते हैं खीर और मिक्स वेजिटेबल, दाल और रोटी, एक सिंपल सा और परिवार के साथ खाने में बहुत आनंद आता है। अकेले में तो यार हर कोई खा लेता है लेकिन परिवार में खाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। जब हम खाने को एंजॉय करते हैं, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। पब्लिक बैठ रखी है, मेरे भी भोजन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं भाई पूरा खीर का बना हुआ जो पतीला था वो खत्म, कढ़ाई भी हुई है। ये देख सकते हैं और इन सब ने खाना बनाया, कैसा लग रहा है खाना? बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त, अच्छा। ये सरवा जाते हैं भाई, खीर सबसे अच्छी मस्त हो रहा है, एकदम मस्त हो रहा है, एकदम बाल्या एकदम मस्त हो रहा है आज खाना। पहली बार खाए तूने ऐसा खाना? कैसा लग रहा खाना? अच्छा अच्छा खाना हम लोगों ने बनाया है। तभी देखो ये खाना सब खत्म, सब खत्म, जितना भी ये खाना बचा है वो गाइस लोग खाएंगे, खाएंगे। अभी रात के बज चुके हैं 2:15 और काफ़ी थकान लग चुकी है, खाना पीना भी डन हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में।